बच्चों वर्ण विचार की इस दूसरी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजनों के कितने भेद होते हैं। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बताएंगे व्यंजन किसे कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि व्यंजन के कितने भेद होते हैं बच्चों। तो सबसे पहला होता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं बच्चों? जिन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के विभिन्न भागों जैसे तालु, दांत, कंठ आदि का स्पर्श करती है वे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ये का से मा तक की श्रेणी में आते हैं। नंबर दो, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन बच्चों वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ मुख के इन भागों का स्पर्श नहीं करती है, उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में चार हैं, या, रा, ला, वा। नंबर तीन, ऊष व्यंजन। ऊष व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनके उच्चारण करते समय हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, ये संख्या में चार हैं बच्चों, श, श, सा और हा। अब नंबर चार, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन बच्चों कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ये भी संख्या में चार हैं, छ, त्र, ज्ञ और श।